दोस्तों, अगर करंट मार्केट में हम किसी भी स्मार्टफोन के बैटरी की बात करें तो 5000-6000 mAh की बैटरी दोस्तों लास्ट है, लेकिन जियो ने दोस्तों कमाल कर चुकी है 10000 mAh की बैटरी के साथ में। नया बजट स्मार्टफोन दोस्तों उसने लॉन्च कर दिया है। वैसे हम इंडियंस का तो इस फोन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10000 mAh की बैटरी अगर किसी फोन में कोई कंपनी दे रही है तो मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पावर बैंक की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। तो जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों जियोनी के इस नए फोन के बारे में, आखिर किस प्राइस रेंज में और किन स्पेसिफिकेशन के साथ में दोस्तों लॉन्च किया है जियोनी ने। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, वीडियो में हम बात करें जियोनी के द्वारा आज लॉन्च किए गए नए स्मार्टफोन के बारे में, जियोनी M30। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 10000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ में लॉन्च हुआ है। मतलब 10000 mAh दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो पावर बैंक का बोझ आप एक साथ लेके चलते थे दोस्तों, वो कम से कम आपका इस फोन के साथ में खत्म होने वाला है। वैसे इंडिया में जियोनी ने दोस्तों एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च करा है मैक्स, उसमें आपको बड़ी बैटरी मिल रही है, लेकिन अगर ये फोन भी लॉन्च करती है जियोनी इंडिया में तो दोस्तों जरूर तहलका मचने वाला है। आगे जानते हैं दोस्तों कि आखिर इसमें क्या मिल रहा है। 6 इंच की डिस्प्ले HD+ कंपनी ने यूज़ की है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है दोस्तों। वहां पर मिलेगा आपको 720x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन और डेंसिटी रहेगी 268 PPI। इसके अलावा दोस्तों, एक और कमाल की चीज़ है इस फोन की डिज़ाइन। अगर फोन को आप देखेंगे दोस्तों तो आपको बॉटम पर और टॉप पर दोस्तों एंगुलर डिज़ाइन मिलेगी, जो कि एक यूनिक बनती है दोस्तों। इस बजट स्मार्टफोन में आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है पीछे की तरफ, और उसके नीचे फ्लैश लाइट, और उसके नीचे बिल्कुल एक ही लाइन में दोस्तों आपको मिल रहा है रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, और बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ बॉटम पे आपको दोस्तों जियोनी की मिलेगी ब्रांडिंग, वो भी थोड़ी सी आपको दोस्तों बॉक्स में मिलेगी, यानी कि फोन से थोड़ा सा जियोनी लिखा हुआ उभरा हुआ दिखाई देगा। साइड में बटन्स जो दोस्तों दिखाई दे रहे हैं उसमें होम बटन है, साथ में वॉल्यूम रॉकर दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इस फोन में कंपनी ने गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन भी दिया है। साथ साथ बता देते हैं दोस्तों, जो पीछे सेंसर दे रही है कंपनी वो है 16 मेगापिक्सल का, और LED फ्लैश लाइट तो दोस्तों मैं बता ही चुका हूं। HDR आपको इमेजिंग का सपोर्ट भी दोस्तों इसमें मिलेगा। फ्रंट कैमरा मिलेगा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का। साथ में प्रोसेसर फोन के अंदर दोस्तों MediaTek Helio P60 यूज किया है कंपनी ने। अगर इसकी जगह पर जीप सीरीज का कोई भी प्रोसेसर यूज करती कंपनी तो ज्यादा बेहतर दोस्तों हो सकता था। इसके साथ में दोस्तों क्लब किया है GPU Mali G72 MP3 GPU को दोस्तों। इसके अलावा रैम 8 GB की है, जो कि वाकई में दोस्तों बड़ी है, और 128 GB मेमोरी मिलेगी दोस्तों इंटरनल, जिसको कि आप SD कार्ड की मदद से 256 GB तक दोस्तों एक्सपेंड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये फोन 4G डुअल स्टैंडबाई के साथ में आ रहा है, यानी कि आप दो सिमों को एक साथ 4G कनेक्टिविटी के साथ में दोस्तों यूज कर सकेंगे। अभी कंफर्म ये नहीं है दोस्तों कि इसमें जो ट्री मिल रही है वो हाइब्रिड है या फिर डेडिकेटेड। उसके अलावा दोस्तों वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और कमाल की चीज है, 10000 mAh की बैटरी के अलावा इनक्रिप्शन चिप मिल रही है, जो कि आपकी सिक्योरिटी को दोस्तों, यानी कि जो फोन की आपकी प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है दोस्तों, उनको उसको एनहेंस करेगी। आपकी जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो दोस्तों पासवर्ड है, लॉगिन डिटेल्स है, वो सारी की सारी आपके फोन के अंदर दोस्तों मुकम्मल तरीके से सेफ्टी के साथ सेफ रहने वाली है। अब 10000 mAh की बैटरी है तो दोस्तों चार्जिंग के लिए भी इसमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर दोस्तों इसमें 25 वाट से थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव करते चार्जर को तो दोस्तों ज्यादा बेहतर हो सकता था। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि फोन सिर्फ ब्लैक वर्जन में दोस्तों लॉन्च हुआ है, और प्राइस की बात करें तो 15,100 रुपये इसकी प्राइस है अगर कन्वर्ट करते हैं यान को इंडियन करेंसी में। बाकी दोस्तों देखते हैं कि कंपनी इंडिया के बारे में क्या सोच रही है, क्या इस फोन को लेके आएगी, क्योंकि इस फोन ने दोस्तों मार्केट में जरूर जो पुरानी और बड़ी कंपनियां दोस्तों उनको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि कोई ऐसा फोन लेके आए जो ज्यादा दिनों तक बैटरी दे सके। बाकी इसकी दोस्तों बैटरी कितने दिन चलने वाली है और वजन कितना होगा इस फोन का, ये अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों। आने वाली वीडियोस में अगर कुछ भी पता चलता है आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.techincharge.in को विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।